जैसे उनित पवित्र नीचे बैठ जाए।
माँ शबरी अम्बा बुआर कर साफ करना, मेरा काम है श्रृंगार करना। रंगोली डाल कि दौलत की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन होगा, पर भगवान देवाधिदेव महादेव को तुम्हारे धन से मतलब नहीं। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारी संपदा की जरूरत शिवजी को नहीं है। अगर देवाधिदेव महादेव को आप रिझा रहे हो तो केवल एक लोटा जल भी अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दो बूंद जल भी अगर महादेव को चढ़ा रहे हो तो वो दिल से चढ़ाओगे तो वो दो बूंद जल को भी स्वीकार कर लेगा। आपने अगर दिल से पुकारा तो महादेव आते, आपने अगर दिल से बुलाया तो शिव आता। धन दौलत संपदा से सत्ता से वैभव से तुम्हारा देवाधिदेव महादेव प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम्हारे वैभव से तुम्हारे धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। एक पैसे वाला व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति, तुम्हारे नगर में तुम्हारे गांव में तुम्हारे शहर में कोई पैसे वाला व्यक्ति भी रहता है और एक गरीब व्यक्ति भी रहता है, दोनों मरते हैं, यहां भी किसी के प्राण जाते हैं। गरीब मरता है, बांस लाया जाता है, अर्थी तैयार करी जाती है, अर्थी पर उसको बांध कर सफेद कपड़े में लाल कपड़े में उसको लेकर जाया जाता है। सेठ मरता है तो उसके लिए डनलप का गद्दा लाया जाता है। अरे बोलो तो, डनलप का गद्दा लाते हैं क्या? नहीं। सेठ मरता है तो क्या चांदी के बांस लाते हैं, सोने के डंडे लाते हैं जिस पर उसको बांध के ले जाते हैं? अरे बोलो तो, जम के नहीं। अमीर मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया। चार बांस 40 कंडे अमीर को जलाने में भी लगते हैं और चार बांस 40 कंडे गरीब को जलाने में भी लगते हैं। अमीर मरेगा तो भी डनलप के गद्दे पर नहीं जाएगा,
उसके साथ में अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं जाएगा। अमीर भी मरा तो बांस पर जाएगा, गरीब भी मरा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी गया सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी गया सफ़ेद कपड़े में। तुम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहनाओ, पर ऊपर से वही सफ़ेद वही लाल रहता है, वही सफ़ेद वही। कारण, अमीर अगर मंदिर में जाता तो अच्छे कपड़े में जाता, अमीर अगर कहीं जाता तो थोड़े वैभव से, थोड़े धन से, थोड़ी सत्ता से, थोड़े पैसे से जाता। एलईडी चालू करिए पीछे की। थोड़े वैभव से जाता, थोड़ी सत्ता से जाता, थोड़े धन से जाता। अमीर जाता तो वो अपने वैभव से जा रहा होता, गरीबड़ा जाता तो वो अपने आनंद के साथ भगवत भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए पहुंच जाता। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, सब जगह पर अमीरी और गरीबी देखी जा सकती है। आज आवाज सेट नहीं है बाबू तुम्हारी। प्रत्येक जगह पर अमीरी और गरीबी देखी जा सकती है, प्रत्येक जगह पर। आपका मन पड़े जहां जाकर आप देख सकते हो अमीरी और गरीबी, हर जगह पर आप जाकर देख सकते हो अमीरी और गरीबी का भेद प्रत्येक जगह पर रहता है। बस केवल एक जगह ऐसी रहती है जहां अमीरी और गरीबी का भेद नहीं रहता, वो है शमशान, जहां सबकी शान सम का नाम सम शान। जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, अमीर भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है, गरीब भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। वहां एक की शान ऊंची और एक की शान नीची नहीं होती, वहां सबकी शान बराबर रहती है। वहां धन नहीं देखा जाता, वहां तो केवल यह देखा जाता है आया है तो राख बनकर ही गया है। वहां आने वाला भले हम पहले भी कथा में कहे हैं, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा जाता है और गंगा जी चले जाते। आप कितने लाख की गाड़ी में घूम रहे हो वो मायना नहीं रखता। आपके पास में कितना वैभव है वो मायना नहीं रखता। आपके पास में कितना धन है वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि आपने भगवान का भजन, पृथ्वी पर आकर भगवान शंकर को एक लोटा जल कभी जिंदगी में चढ़ाया नहीं चढ़ाया, कभी भगवान की भक्ति में गए नहीं गए, कभी किसी शिव महापुराण की कथा में जाकर धूप में तपे ना तपे, गर्मी में सहनशीलता पाई ना पाई, कभी किसी शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि, दो रात्रि, तीन रात्रि, पांच रात्रि का विश्राम किया नहीं किया। शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कभी एक हाथ से देवाधिदेव महादेव से थोड़ा सा चावल दाल मांग कर, खिचड़ी भात पाकर अपने आनंद को लेते हुए दो दिन, तीन दिन, एक रात्रि शिवपुराण की कथा सुनी नहीं सुनी, ये देखा जाता है, ये देखा जाता है। एलईडी नहीं चल रही क्या पीछे की? तार टूट गया तार टूट गया तो उसको जोड़िए शीघ्र अति शीघ्र।
आगे वाला डी तो हमेशा खाली रखना चाहिए, जैसे तारों टूटे नहीं, तकलीफ ना आए। पर वो भी आप लोग भरवा देते हैं, थोड़ा ध्यान रखकर बैठेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी पीछे वालों को। शंभू, तार टूट गया है, जोड़ रहे हैं, आप लोग आराम से बैठकर कथा सुनिए, शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ता है। रस तत्व की प्राप्ति, शिव के दरवाजे पर कोई भेदता नहीं, शंकर की चौखट पर कोई भेदता नहीं, और जब शिव के द्वार पर कोई भेदता नहीं तो हम भेद करने वाले कौन होंगे? आज कथा में आप स्मरण करिएगा, तीन नशा इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे भारी, तीन नशा संसार में सबसे विचित्र, सबसे बेकार। पहले नंबर का शराब का नशा, एक ऐसा नशा होता है जिसमें केवल अकेला व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को एक बार बचा सकते हो, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। पानी में डूबने वाला बच सकता है, पर प्याली में डूबने वाला बचना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तीन नशे बड़े प्रबल हैं। मेरा निवेदन, जितने जितने माताएं यहां बैठी हैं और जितने भाई लोग यहां बैठे हुए हैं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने भी मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, उन सभी से निवेदन है, तुम्हारी मदिरा को, शराब के नशे को कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता, आपके शराब के नशे को आप खुद छुड़ा सकते हो, अपने अंदर बल उत्पन्न कर, अपने ऊपर दृढ़ता बनाकर, संकल्प बनाकर आप स्वयं छुड़ा सकते हो। छत्तीसगढ़ सरकार में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की पूरी पुलिस प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन एक ना एक कार्य छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किया जाता है, उसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को साधुवाद, पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस को साधुवाद। यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, डीएसपी हों, एसडीएम हों, कमिश्नर हों, कलेक्टर हों, ये पुलिस प्रशासन द्वारा एक अलग से पहल चालू करी गई है छत्तीसगढ़ में, और ये आज से नहीं चल रही है, हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक पहल पुलिस प्रशासन की ओर से निरंतर चली आ रही है कि नशे से लोगों को दूर किया जाए, मुक्त किया जाए। और उसमें पहली जरूरत तुम्हारी है, उसमें सबसे पहली जरूरत आपकी है। आप जितने प्रबल होंगे, आप जितने बलवान होंगे, आपके अंदर जितनी प्रबलता होगी, आप उतना भगवान की अविरल भक्ति का भाव ग्रहण कर सकते हो और नशे से दूर रह सकते हो, नशे से दूर रह सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव कथा कहती है, तीन नशा
सबसे प्रबल, तीन नाशक सबसे प्रबल। पहले नंबर का है शराब का नशा, मदिरा का नशा, और ये शराब का मदिरा का नशा एक ऐसा नशा जो चार घंटे में पांच घंटे में उतर जाता। फिर दूसरे नंबर का नशा बताया धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा, अपनी दौलत का नशा। ये दौलत चली जाती है, कुर्सी चली जाती है, तब ये नशा अपने आप चला जाता है। ये कुर्सी जाने के बाद ये नशा जाता है, ये धन जाने के बाद ये नशा जाता है, सत्ता जाने के बाद ये नशा जाता है, वैभव जाने के बाद ये नशा जाता है। एक नशा है मदिरा का नशा, शराब का नशा चार घंटे में उतर जाता है, धन का नशा, पैसे का नशा, कुर्सी का नशा, वैभव का नशा, ये कुर्सी जाने के बाद, धन जाने के बाद उतरता है। और तीसरे नंबर का जो नशा है वो भगवान की भक्ति का नशा, जिंदगी भर नहीं उतरता। जिंदगी वो कहते हैं ना कि बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले ये अपने आप चढ़ता है, इसको चढ़ाया नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती कथा में लेके आए मार ठोक के, नेपकिन रखा हो सफेद रखा। कितने लोग हैं जिनको मार ठोक के लेकर आए, खूब मारा ठोका, गालियां दी कि चल रहा कि नहीं चल रहा। सफेद नेपकिन होगा ना, पानी पिला, खूब मारा ठोका और तब उस तब जाकर कथा में लेकर आए कि चल अब यहां पहुंच। अरे बोलो तो तुम में से है कोई जिसको जबरदस्ती खींच के मार के ठोक के गाली दे के और साइकिल में पीछे बांध के गैस की टंकी की तरह ऐसे लेकर आयो? कोई कोई नहीं ले, किसी को कोई बांध कर नहीं ले जाता, किसी को कोई धमकी देकर नहीं ले जाता, किसी को अपशब्द कहकर नहीं ले जाते। भगवान शंकर की कथा में आप जैसे अपनी मर्जी से दिल में उमंग लेकर, उत्साह लेकर, आनंद लेकर, जैसे भगवान शंकर की कथा में आप जबरदस्ती नहीं आते, उसी तरह आपका दुख हरने के लिए भगवान भी जबरदस्ती नहीं आता, अपने दिल से आता है, अपने आनंद से आता है। तुम्हारा दबाव नहीं है भगवान भोलेनाथ जी पर कि शंकर जी तुमको आना ही पड़ेगा। भोलेनाथ जी कहते हैं मुझ पर किसी का दबाव नहीं, लंका अधिपति रावण मेरे ऊपर दबाव बनाता था, मैं नहीं गया। लंका अधिपति रावण ने मेरे को शिवलिंग के रूप में अपने हाथों में उठा लिया और हाथों में उठाकर लंका अधिपति रावण मुझे ले जाने लगा लंका, और कहता है मेरी लंका में चलो, मेरी लंका में रहना। भगवान कहने लगे मेरे को ले जा नहीं पाएगा, और रावण को लगी लघु शंका। रावण ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया और वो शिवलिंग उठा नहीं, वो बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गया, वो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। कठिन है, बहुत बहुत कठिन, बहुत कठिन।
शिव की भक्ति जबरन नहीं होती, शिव की भक्ति में कोई दबाव नहीं होता, शंकर की भक्ति में कभी दबाव से शंकर का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन कभी दबाव से नहीं हुआ, शंकर भगवान का भजन कभी मार कर ठोक कर या गाली देकर अपशब्द कहकर ताना देकर शिव का भजन नहीं हो सकता। शंकर का भजन केवल निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, भगवान का भजन तो केवल निर्मल भाव से हो सकता है, इससे सिवाय काहीं से नहीं हो सकता। महाराज आप जितने आनंद से, आप जितनी भक्ति से, और हुआ देखिए, तारकासुर आया, तारकासुर ने बैकुंठ पर राज करा, ब्रह्मलोक में राज करा, इंद्रलोक पर राज करा, पितृलोक पर राज्य करा, तारकासुर ने सारे लोकों पर राज्य करा, हर जगह पर तारकासुर ने अपना अपना राज्य स्थापित किया, हर जगह पर तारकासुर ने अपना राज्य जमाया, पर देव अधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर तारकासुर ने राज्य नहीं जमाया। तारकासुर से इंद्र ने पूछा कि तुम सब पर राज्य करे तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं करा, कैलाश पर क्यों राज्य नहीं करते, कारण क्या है, तुमने सब दूर अपना राज्य बनाया तो कैलाश पर राज्य क्यों नहीं बनाया। तारकासुर ने कहा, मैं कैलाश पर राज्य इसलिए नहीं करता क्योंकि कैलाश पर रहने वाला भोलेनाथ मेरे दिल में राज्य करता है, तो मैं कैलाश पर कैसे राज्य कर सकता। कोई जरूरी है कि तुम कैलाश पर्वत जाओगे तो शंकर जी मिलेगा, अभी एक कथा कोटा में हुई, आप लोगों ने सुनी थी कोटा की कथा, तो कोटा में कथा थी, तो कोटा में शाम के समय पर एक कोई मिलने के लिए आए और वो आकर बोले, गुरुजी, ओ गुरुजी, तो शाम का समय था, हम लोग पीछे आगे के दो चार दिन तो मिलते नहीं हैं, पाँच दिन की कथा होती है तो एक दिन मिलते हैं, सात दिन की कथा होती है तो दो दिन मिलते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी से मिलना हमारा होता। अब वो आए और उन्होंने आकर कहा, गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलिए क्या बात है, गुरुजी हमारे जो दादाजी है ना वो अभी कैलाश गए थे। अच्छा, हमारे दादाजी गुरुजी कैलाश गए थे, कैलाश मानसरोवर होकर आए और कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर आए, मानसरोवर का स्नान कर आए। हमने कहा ठीक है, हमने कहा तुम्हारे दादाजी नहीं आए तुम्हारे साथ मिलने, तुम्हारे दादाजी को यहां आना था ना मिलने के लिए, इतनी दूर मानसरोवर होकर आए तो कम से कम चलो गुरुजी से मिल आए। अरे गुरुजी आ रहे थे तो फिर हमने उनसे कहा कि तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ, हम आगे वाली में बैठ गए और उनको हमने पीछे वाली में बैठने का कह दिया तो वो गुस्सा हो गए, तो वो गुस्सा हो गए वापिस चले गए। हमने कहा फिर ठीक है, हमने फिर पूछा तुम्हारे दादाजी को शंकर जी मिले कैलाश पर्वत पे, शंकर जी मिले, नहीं हमारे दादाजी कह रहे थे हमको ऐसा पहाड़ के ऊपर आंख बनी हुई नजर आई कैलाश पर्वत पर और बस ऐसा लगता था जैसे शंकर जी यहीं पर बैठे हैं। हमने उनसे कहा आपसे केवल एक निवेदन है, शंकर जी को पाने के लिए कैलाश पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी अगर शांति से रह लोगे तो शंकर घर में भी प्राप्त हो सकता है। मान सरोवर होकर आने के बाद, कैलाश पर्वत होकर आने के बाद भी अगर तुम्हें इतना गुस्सा कि मेरे को आगे वाली गाड़ी में बैठना था पीछे क्यों बिठाया और मालूम पड़े तुम अपने घर चले गए, इतना क्रोध
शंकर जी के पास में क्रोध नहीं है, शंकर जी के पास में तो प्रेम है। एक चोर चोरी करने के लिए गया शिव के मंदिर में, कोई सामान ऊपर चढ़ने का नहीं मिला, तो वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर पांव रखकर ऊपर चढ़ गया। शंकर जी उसमें ही प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शिव को क्रोध नहीं है। ये तो दुनिया के लोग कहते हैं, ये दुनिया के लोग बोलते हैं कि शंकर रुद्र हैं, शंकर क्रोधी हैं, शंकर को क्रोध आता है, शंकर रुद्र हैं। ना ना ना, जिसने शिव महापुराण अगर सही से पढ़ ली, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ, उसको दिल से पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि शंकर भगवान क्रोधी नहीं, शंकर भगवान दयालु हैं। शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान शंकर को दया आती है। भगवान शंकर को क्रोध प्रकट नहीं करता, भगवान शंकर को आनंद प्रकट करता है। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने जितने जितने बार हंसकर प्रश्न किए, शिव जी ने उतने बार हंसकर उत्तर दिए। भगवान कृष्ण ने जितनी बार मुस्कुराकर भगवान कृष्ण के सामने दर्शन दिया, भगवान शंकर ने मुस्कुराकर राम जी के सामने दर्शन दिया। राम जी ने रावण पर क्रोध करा, पर राम जी जब आनंद में बैठे थे तब शंकर का दर्शन पा रहे थे। शिव आनंद की राशि है, इसलिए उसको कहा जाता है कर्पूर गोरम करणाव तारम, करुणा करने वाला है वो, आनंद करने वाला है वो, क्रोध करने वाला नहीं है। ना जाने कौन कौन ऐसे ऐसे भ्रम उत्पन्न कर देता है, ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं और टीवी पर आते हैं, अपनी अपनी फेसबुक और आईडी पर आते हैं और बोल कर चले जाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग को मत छूना पाप लगेगा, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना पाप पड़ेगा, शंकर जी को ये मत करना पाप पड़ेगा। अरे आने वाले समय में यही टीवी पर बैठकर बोलेंगे शंकर के मंदिर ही मत जाना। अरे बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागा है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागकर लोग दूसरी जगह छोड़कर, ना जाने मोमबत्ती जलाना छोड़कर अगरबत्ती पकड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लोग जाकर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, पर लोगों को अंदर से ईर्ष्या, इनको शंकर जी से ईर्ष्या नहीं, इनको ईर्ष्या केवल इस बात से है कि ये बिना बुलाए मारे ठोके बिगर कैसे आ जाते हैं, दिक्कत इस बात की है, तो उनको टेंशन। तो उन्होंने कह दिया शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श मत करना, शंकर भगवान कौन सा पुराण कहता है, कौन सा शास्त्र कहता है कि शिव जी को छूना नहीं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पीना, कौन सा पुराण? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा आप लेकर आओ, कहीं गीता प्रेस की दुकान लगी हो वहां से खरीदो, और खरीद कर उस शंकर भगवान की कथा को पढ़ो, तो उसमें मिलेगा शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से तीन ताप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं, शंकर का स्पर्श कर लेने से हमारे ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं, कोटि कोटि। महाबलेश्वर, महाबल शंकर की कथा आपको कही थी, सुनी थी ना आप लोगों ने, महाबलेश्वर शिव जी की कथा। एक ब्राह्मण की लड़की जिसकी शादी हो गई, शादी हुई, पति मर गया, पति मर गया, मायके आ गई, मायके आई गलत सोच में, गलत सहेलियों का संग मिल गया और पर पुरुष में पड़ गई, पर पुरुष में पड़ी, दूसरे पुरुषों के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली, घर से लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जंगल में चली गई, जंगल जंगल में गई। एक वनवासी ने उसको अपनी धर्म पत्नी बना ली, ये भी नशे में रहता वो भी नशे में रहता, समय बीता प्राण छूटे, फिर मरी, फिर वापिस स्त्री का तत्व प्राप्त किया। एक बार उसको मालूम पड़ गया कि कहीं पर मेला भराया है और वो मेला घूमने के लिए भूख से बिलख रही थी, भोजन के लिए मांगने के लिए गई, भिक्षा मांगने, भूख से बिलख रही है,
भिक्षा मांगने के लिए गई। किसी ने शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर उसके कटोरे में उसके हाथ में दे दी। उसने सोचा बताओ भोजन भी नहीं मिला, मिली तो पत्ती बेलपत्र। वो तो बेलपत्र को भी नहीं जानती थी, उसने उठाया और फेंक दिया। फेंकी हुई बेलपत्र हवा में उड़ी, उड़ते उड़ते मंदिर तक पहुंची। मंदिर के दरवाजे से फिर हवा चली तो फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची, अंदर से फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची और शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ गई। चढ़ गई शंकर भगवान के शिवलिंग पर, बस फेंकी हुई बेलपत्र भी शंकर के दरवाजे तक पहुंच गई, शंकर की चौखट तक पहुंच गई, शंकर के शिवलिंग तक पहुंच गई। उस नारी को देवाधिदेव महादेव ने दर्शन दे दिया और कहा तेरे सारे पापों से मैं तुझे मुक्त करता हूं, सारे पापों से मुक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र यदि हाथ की छुई हुई शंकर को चढ़ जाती है, एक बेलपत्र हाथों से छुई हुई अगर शिव को चढ़ जाती है तो हम ना जाने कितने कितनी योनियों से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम स्वयं भगवान का स्पर्श कर लें तो हमारा जीवन सार्थक ना होगा, हमारे जीवन का आनंद ना होगा। क्या ये लोग कह देते हैं गुरुजी ये बेलपत्र है, गुरुदेव ये बेलपत्र है, लोग कहते हैं ये बेलपत्र है, लोग कहते हैं ये बेलपत्र है, हम कहते हैं नहीं ये बेलपत्र नहीं है, इसमें 64 योगनिया देवी, 33 कोटि देवता, मेरा देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा विष्णु, गणेश, कार्तिकेय, षडानंद, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली देव और अशोक सुंदरी, सारे के सारे देवता इसमें समाहित हैं। अकेली बेलपत्र, केवल बेलपत्र नहीं, सारे देवताओं का बल एक बेलपत्र में होता है। जब यह बेलपत्र महादेव को चढ़ जाती है, शिव महापुराण को चढ़ जाती है, जब यह बेलपत्र व्यासपीठ पर चढ़ जाती है तब इसका बल और 1000 गुना हो जाता है और उसको जब पाया जाता है तो सुख का अनुभव हो जाता है। क्या बेलपत्र, क्या बेलपत्र, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर, हे गंग धार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। एक बेलपत्र में कौटि कौटि पुण्य प्रबल है, एक बेलपत्र। कितना भाव, देखो पत्र आया, एक पत्र पढ़े, मेरा नाम रमेश कुमार बुनकर, निवासी शांति नगर भिलाई। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम रमेश कुमार बुनकर, निवासी शांति नगर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मुझ पर बैंक ने झूठा केस बनाकर 2002 में सस्पेंड कर दिया था।
20 साल तक नौकरी से सस्पेंड रहा। गुरुजी टीवी पर कथा सुनी, एक लोटा जल का आरंभ किया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हिम्मत हार गया था, भोले बाबा ने कृपा की और हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ से केस लड़ा। गुरुदेव 2002 मतलब देखा जाए अभी 2023 चल रहा है, 20-21 साल पुराना केस। बाबा की कृपा देखी है गुरुदेव। केस को लड़ते लड़ते आपने लिखा है शुरू में, 20 साल में केस जीता, नौकरी वापस मिली, नौकरी से रिटायरमेंट, केस लड़ते लड़ते खुद वकील बन गया। 20 साल केस लड़े, खुद वकील बन गया केस लड़ते लड़ते। गुरुदेव केस नौकरी पर था तब से लड़ा और रिटायरमेंट हो गया तब तक लड़ा, और केस लड़ते लड़ते आज बाबा की कृपा से 20 साल तक केस लड़ने के बाद वापिस मुझे नौकरी मिली और रिटायरमेंट मिला, और बाबा की कृपा से मैं विजय प्राप्त करा। ये प्रभु कृपा है। 2 मई 2023 को मुझे उसके सारे कागज मैं पीछे लगा रहा हूँ जो मैंने केस लड़े थे और केस में विजय प्राप्त करी, सारे कागज लगा। शिव तत्व की प्राप्ति है, बधाई हो आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। विराजी शिव तत्व की प्राप्ति क्या देता है बाबा? दुनिया के लोग भले उस पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले अपशब्द कहें, दुनिया के लोग भले ताने दें, दुनिया के लोग भले आड़ा टेढ़ा कहें, क्या होता है शंकर जी की कथा सुनने से? क्या होता है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से? कभी इनके पास भी पहुंच जाना कि हिम्मत नहीं आ रहे, और 20 साल बाद एक लोटा जल सारी समस्या का हल, उसका बल प्राप्त कर कर अपना केस जीत कर। कोई कहे शिवजी को बेलपत्र क्यों चढ़ा रहे हो? कोई कहे, बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बहुत नई नई राय देंगे, बहुत नई नई बातें बताएंगे, बहुत टीवी पर आएंगे, मोबाइल पर आएंगे, फेसबुक यूट्यूब पर आएंगे, नया नया आइडिया देंगे। शंकर जी को ऐसे बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा मत करो। आप अपने मन को दड़ी रखना कि मैंने बस गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को पढ़ लिया, सुन लिया, अब मुझे किसी की नहीं सुनना, मैंने भोलेनाथ की सुन ली, शिव मेरा और मैं शंकर की, इसके सिवा मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। एक ब्रह्मता मनुष्य के भीतर है, एक ब्रह्मता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में जल भरने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में आरती उतारने वाला, शंकर के मंदिर में पूजा करने वाला, शंकर के मंदिर में चाकरी करने वाला, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं लेता, वो भगवान शंकर के धाम में ही रहता है। 84 लाख योनि में ऐसी कोई योनि उसको नहीं मिलेगी कि वो भुगतेगा ना। वो कुत्ता बनेगा, ना गधा बनेगा, ना घोड़ा बनेगा, ना झिंगुर बनेगा, ना पशु बनेगा, ना पक्षी बनेगा, जो शंकर के मंदिर में भले कैसे भी चले जाए। चोटा चोरी करने गया था तो मेरा महादेव मिल गया था, चोटा चोरी करने गया तो मेरा महादेव मिल गया। एक चोर ने अपना कपड़ा जलाकर शंकर जी के मंदिर में आरती कर दी तो वो कुबेर बनकर बैठ गया, आज भी कुबेर के सिंहासन पर वो ही बैठा।
और कोई कह दे कि शंकर जी के मंदिर में अगर कोई पूजन करे, शंकर जी के मंदिर में आरती करे, शंकर जी के मंदिर में आराधना करे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शंकर जी के मंदिर में जाकर स्पर्श करे, शिव जी के मंदिर को भगवान शंकर को स्पर्श करे, जल पिए, तो वो ये बन जाए, ना 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 ना, ये लोगों का भ्रम है और केवल लोगों तक भ्रम फैलाना है। शंकर भगवान की चौखट के सामने पहुंचने वाला उसको तो कहते हैं पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब क्या होता है कि पशु एक चीटी भी अगर महादेव के शिवलिंग पर शक्कर को चाटने के लिए जाती है तो वो अगली योनि नहीं पाती, उस योनि से छूट जाती है। यह चीटी के लिए कहा गया, एक चीटी। आप लोग, कई लोग कहते होंगे, आप लोग जाते हो मंदिर तो कई बार आपने देखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में चींटी हो गई। शंकर जी के मंदिर में पहले तो एक बात का नियम बना कि शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर कोई भी मीठा सामान चढ़ाकर नहीं छोड़ना। शिव जी के मंदिर में जल से स्नान कराकर श्रृंगार कर जाओ, कोई झूठा सामान, कोई खाने का सामान शिवलिंग के आसपास नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे भगवान के पास कोई चींटी हो या ऊंदरा हो या कोई जानवर जाए, ऐसा नहीं करना, पूरा सफाई कर जाना शिव मंदिर। पर भूल बस आप पूरे मंदिर को साफ कर गए, पूरे मंदिर को क्लीन कर गए, ना मंदिर में मीठा था ना मंदिर में नमकीन था, उसके बाद भी अगर शंकर जी के शिवलिंग के पास चींटी आ गई, चींटा आ गया, कोई जीव आ गया, भूलवश पहुंच गया, जरा विचार करिएगा। विष्णु पुराण की एक कथा बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। एक गोबर में रहने वाला कीड़ा गोबर में रहता था। एक दिन भंवरा उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े को उसने देखा। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा, रे तुझे रहते रहते कीड़ा गोबर में उपन नहीं होती, कितनी गंदी जगह रहता है। गोबर का कीड़ा बोला, मैं करूं तो करूं क्या, मैं कहां जाऊं। भंवरे ने कहा, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। भंवरे ने कीड़े को उठाया, ले जाकर एक फूल पर बिठा दिया। गोबर का कीड़ा खुश हो गया, कितना सुंदर फूल है, कितनी अच्छा। और जो फूल देखा, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसके अंदर भंवरा भी बैठा, गोबर का कीड़ा भी बैठा, और मालूम पड़े भंवरा उड़ गया, गोबर का कीड़ा उसी के अंदर रह गया और फूल बंद हो गया, फूल बंद। गोबर के कीड़े ने सोचा, बताओ कहाँ फंस गया, ये भंवरा तो मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया और मुझे यहाँ फंसा गया, खुद तो उड़ गया मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया। थोड़े देर बाद माली आया, माली ने फूल तोड़ा, वो फूल माली के हाथ में गया। माली बाजार में बैठकर फूल बेच रहा था, एक पंडित जी ने खरीद लिया, पंडित जी ने फूल खरीदा, दूसरे दिन वो राम जी के चरणों में ले जाकर उसने फूल से श्रृंगार कर दिया। राम जी के चरणों में फूल से श्रृंगार करा, तीसरे दिन पंडित जी ने फूल हटाए, डलिया में भरे, गंगा जी में उसको छोड़ दिया। गंगा जी में छोड़ा तो भंवरा ऊपर से उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े से पूछा, रे कैसा है। गोबर का कीड़ा कहता है, रे भंवरा तेरा एहसान नहीं भूल सकता, गोबर में से निकाल कर गंगा के जल तक लाकर छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। गोबर के कीड़े को निकाल कर तूने गंगा के जल तक छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। ध्यान देना, एक साधारण सा गोबर का कीड़ा भी परमात्मा के चरणों में अगर पहुंच जाता है, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है, तो वो भी गंगा जल पाकर बैकुंठ चला जाता है। जो शंकर के मंदिर तक चला जाता है उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है, सार्थक। कितना सुंदर बात कही है महाराज जी, कितना सुंदर प्रसंग कहा। एक कर्मकांडी ब्राह्मण सारी पूजन कराए, सारे अनुष्ठान कराए, पर यदि एक कर्मकांडी ब्राह्मण साल में एक बार भी रुद्री पढ़कर
अगर शंकर जी का किसी यजमान के यहां भी भूलवश अभिषेक करा देता है तो वो ब्राह्मण को अपनी जिंदगी में अनेक अनेक सुख की अनुभूति हो जाती है और सारे दुख उसके मिट जाते हैं। एक रुद्री भी अगर उसने अपने जीवन में कर दी, भले यजमान के घर पर, एक रुद्री। कितना फल। और लोग कहे कि गुरु जी कहां? तीन नशे, एक नशा मदिरा का चार घंटे में उतर गया, दूसरा नशा धन का कुर्सी सत्ता वैभव जाने पर उतर गया, धन जाने पर उतर गया, तीसरा नशा भगवान की भक्ति का जो उतरना नहीं चाहिए उल्टा और चढ़ना चाहिए। मस्त मस्त आनंद में, भगवान की भक्ति में जितने आनंद में डूब सकते हो उतना डूबो। शंकर कभी क्रोध नहीं करते, शंकर कभी रुद्र के रूप में हमारे सामने नहीं आते, शिव कभी क्रोध की मूलता नहीं पाते। तारकासुर से इंद्र ने पूछा, तुमने इंद्रलोक पर राज्य करा, वैकुंठ लोक पर राज्य करा, ब्रह्म लोक पर राज्य करा, तुमने कैलाश पर राज्य नहीं करा? तारकासुर कहते हैं मुझे कैलाश पर राज्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कैलाश पर शिव जी रहते हैं और शिव मेरे हृदय में राज्य करते हैं, मेरे हृदय। जो मेरे दिल में राज्य करता है उसकी भूमि पर मैं कैसे राज्य कर सकता हूं? कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तुम तुरंत बता दोगे 21 नंबर सेक्टर में 22 नंबर का मकान मेरा, कोड़िया में आना, मेन रोड से अंदर जाना, लेफ्ट में मुड़ जाना, बड़ा सा गेट आएगा, वहां से आगे जाना, और किसी से भी पूछ लेना जायसवाल जी का मकान कहाँ है, बता देगा। रायपुर में आना और वहां आकर किसी से भी पूछ लेना बस स्टैंड के पास में भवानी प्रसाद जी कहाँ रहते हैं, बता देगा। दरवाजे के बाहर इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां लिख के टांगी तुमने, श्रीमान राम किशन शर्मा का मकान। बोलो देखी कि नहीं देखी पट्टियां, टंगी कि नहीं टंगी? एड्रेस पूछा, ये एड्रेस किसका है? तो कि मेरा, तुम्हारा एड्रेस है। हा, घर किसका है? मेरा। अच्छा, मरने के बाद पट्टी और तू दोनों गायब, फिर दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ गया, फिर चौथे का आ गया, पट्टी भी गई तू भी गया। तो फिर स्पष्ट कहो ना, ये घर मेरा नहीं है, महादेव का घर है, महादेव रह रहे हैं, महादेव खा रहे हैं, महादेव सो रहे हैं, महादेव हमारा है। क्या क्या लाए थे? अरे लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? परंतु तुम इस बात को बिल्कुल मत कहना कि क्या तू लेकर जाएगा। अपन जितने यहां कथा सुन रहे हो, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, अपन कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। वो दूसरे होंगे जो कुछ लेकर नहीं गए। आप कभी मत कहना कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा। आप कहना मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाऊंगा, पर यह पक्का है जो मैंने शिव कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाया, वो मेरे साथ जाएगा, मेरे कर्म मेरे साथ जाएगा। अपना किया गया कर्म अपने साथ जाता है, दूसरे का नहीं, अपना किया कर्म। वो एक लाइन तुम लोग गुनगुनाते हो ना, कभी प्यासे को पानी,
पिलाया नहीं बाधु अमृत पीना कभी गिरते हुए उठाया नहीं बाद आंसू क्या फायदा। तुम बोले कि भगवान मेरी नहीं सुनता भगवान मेरी नहीं सुनता भगवान मेरी नहीं सुनता। कब तक कहोगे भगवान तुम्हारी नहीं सुनता? भगवान कहते मैं सुनने को तैयार बैठा हूं, तू अपना थोड़ा सा कर्म सुधार, तू थोड़ा सा सुधर जा, मैं तेरी सुनूंगा भी, तेरी झोली भरूंगा। एक पत्र आया है, देखो। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर हनुमान नगर रायपुर छत्तीसगढ़। कौन सा नगर है लाखे नगर हनुमान नगर? दो नगर एक नगर है क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जरा, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वापिस हिला दो एक बार हाथ। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर हनुमान नगर रायपुर छत्तीसगढ़, दो नगर एक साथ है क्या? चलो भगवान की कृपा है आपके है? कभी भी एड्रेस चेंज करना हो तो हनुमान नगर में आ जाओ, कभी लखे नगर पहुंच जाओ, ठीक है? ये तो शिव कृपा है। तो गुरुजी, मेरी भतीजी सोनल वर्मा की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, मार्च 2023 को जब हम सीहोर गए, 27 लोग गए थे, सभी के मन में बस एक ही बात था कि हमारी ये बच्ची की गोद भर जाए, क्योंकि इसकी शादी को बहुत साल हो गए थे। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, जितने लोग साथ में गए थे पूरों की पूरा का मन था कि बस इसकी गोद भर जाए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, भीड़ अपार थी, बहुत भीड़ होने के कारणवश अंदर पहुँच ना पाए, दीवाल के बाहर बैठ गए, बाबा से विनती करी, बाबा इसकी झोली भर देना, यह आपके दरवाजे पर पहली बार आई है। बाबा से विनती कर निवेदन कर हम वहाँ रात्रि को विश्राम करा। कोई आया, आने पर किसी व्यक्ति ने हमको एक चुपचाप से एक रुद्राक्ष दे दिया, हम समझे कि शिव की कृपा हुई है, मिल गया, हम लेकर आए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग वहाँ से आकर करा, एक कंकर उठा लाए जिसकी पूजन चालू करी, और बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ से जैसे ही लौट कर आए एक सप्ताह बीता और हमारी भतीजी का गर्भ ठहर गया, और भगवान की कृपा से उसके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बधाई आपको, बहुत बहुत, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं, बैठिए, अवघड़ी इसी को कहते हैं। आप उसको भज रहे हैं, ये ना सोचे कि केवल आप उसको भज रहे हैं। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, ये ना सोचिए कि मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं, ना ना ना, वो बुलाता है तो तुम जाते हो। एक कथा में भी तुम जब आए हो, जब मेरे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको यहां तक लाए, सात दिन की कथा में आज छठा दिन हो जाएगा, कल सुबेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, ये कौड़िया छत्तीसगढ़ में, टीवी पर तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब जरा विचार करना, थोड़ा ध्यान से, सब अपने अपने घर चले गए, तुम आए थे अपने घर चले गए, अब तुमने तो बढ़िया प्रेम से रोटी खाकर आनंद पाकर कथा सुन ली, बिस्कुट
पानी टॉफी सब बाबा ने खूब दिलवाया, खाया पिया खूब आनंद में रहे। पर अब तुम तो कथा सुन के चले जाओगे, टेंशन महादेव को हो जाएगा कि इतने सारे आए हैं और इसने बोला है कि 3 महीने में वो